दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्राइसेप्स वर्कआउट। बहुत अच्छा वर्कआउट है, आप इसे 4 से 5 हफ्तों तक जरूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, रिवर्स ग्रिप ट्राइसेप पुश डाउन। दोस्तों इसमें बार को अंडर हैंड ग्रिप से पकड़कर कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। यह ट्राइसेप्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें जब बार को नीचे लाएं तो ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें और ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करें। इसके आप 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, सिंगल आर्म केबल ओवरहेड एक्सटेंशन। दोस्तों इस एक्सरसाइज को केबल पुली मशीन पर एक हाथ से कुछ इस तरह करना है। यह ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड मसल के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ट्राइसेप्स का साइज तेजी से गेन होता है। इसके आपको 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के प्रत्येक हाथ से लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, रोप केबल ट्राइसेप पुश डाउन। इस एक्सरसाइज को केबल पुली मशीन पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। इसमें जब रोप को नीचे लेकर जाएं, तो रोप को बाहर की तरफ खोलें और ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें। फिर जब रोप को ऊपर लेकर आएं, तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज से ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, केवल वन आर्म ट्राइसेप किक बैक। दोस्तों यह भी ट्राइसेप्स के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसे आपने केबल पुली मशीन पर कुछ इस तरह से करना है। इसमें जब हैंडल को पीछे की तरफ खींचें तो ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें, 1 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे हैंडल को नीचे लाएं। इसमें सिर्फ फोरआर्म्स वाला पोर्शन ही ऊपर और नीचे आना चाहिए। आपको इसके 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के प्रत्येक हाथ से लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, केबल पुश डाउन। दोस्तों यह भी ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग भी आती है और ट्राइसेप्स का साइज भी बढ़ता है। इसमें जब हैंडल यानी बार को नीचे की ओर पुश करें तो ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें और ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करें। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।